हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। इतने आदमी, कम से कम 25 से 30 आदमी लोग हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तमिलनाडु में कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट अन्नूर में हम लोग रह रहे हैं। करीब कम से कम बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले करीब 25-30 आदमी हम यहाँ पे हैं। अब आप कह रहे हैं कि दो गज की दूरी बनाइए, इतने बड़े रूम में हम लोग कैसे रह सकते हैं? 25 आदमी हम लोग इसमें दो गज की दूरी बना सकते हैं? सर आप बताइए, आप तो कह रहे हैं कि दो गज की दूरी बनाइए, ना हमारे पास पैसा बचा है खाने के लिए, हम कहाँ पे जाएं? हम लोग रोड पे घूमें? हमारे आने जाने की व्यवस्था करिए। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कोटेदाम, बिहार से आदमी लाए जा रहे हैं, तमिलनाडु की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी दो तीन दिन पहले केरला से ट्रेन चली है लखनऊ के लिए, महाराष्ट्र से आदमी निकाले जा रहे हैं और कोयम्बतूर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी, यहाँ के मुख्यमंत्री एड़प्पाड़ी पलनीस्वामी से आप कोई कांटेक्ट कीजिए और हमारे करीब कोयम्बतूर में भाइयों और बहनों, करीब कम से कम 2000 आदमी कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं, कोई उपाय नहीं हो रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्री ऑनलाइन हो रही है, हमने वो भी कोशिश करके दिया, नोडल ऑफिस से बात किया, वो कह रहे हैं कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन थाना हो, वहाँ पे अपनी कंप्लेन है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो कुत्तों की तरह खेदते हैं, हिंदी वालों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे रहते रहते परेशान हो चुके हैं, इसलिए आपसे हमने ये अपील की है कि हम लोगों को यहाँ पे निकालने की आप कोई सुविधा कीजिए। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कितने आदमी हैं, आप गिन के बताइए, फिर आप खुद सोचेंगे यहाँ पे एक रूम में कितने आदमी रहे। 10x10 का कमरा है, हम लोग 25 आदमी रह रहे हैं यहाँ पे, ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना कोई, यहाँ पे अगर बगल किसी कमरे के पास में पानी मांगने जाओ तो जैसे कुत्ता नहीं दरवाजे से खेदा जाता है, उस तरह से हम लोगों को खेदते हैं। कि एक वही बात हो गई कि हम लोग हिंदी वाले हैं, इसीलिए यहाँ का मुख्यमंत्री ये सोच रहा है कि हम लोग हिंदी वाले हैं, अगर यहाँ से चले जाएंगे तो बड़े बड़े उद्योग अपचों की कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हम लोग गांव जाके दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे, हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं, डेली कमाने वाले हैं, डेली खाते हैं हम लोग। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से मैं अपील कर रहा हूँ कि मैं बाराबंकी टिकैत नगर का रहने वाला हूँ, जो हमारे दरियाबाद विधानसभा के विधायक सतीश शर्मा हैं, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ। फिर भी हमारे टिकैत नगर के जगदीश कुमार गुप्ता, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ, आप हमारी सब लोग मिलके मदद कीजिए। धन्यवाद।